हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तंजीम। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से बहुत ही अच्छी सी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूं। इसमें कई सारी प्रोफाइल्स हैं कई डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से है, जिसमें आप लोग को ट्वेल्थ पास के लिए भी मौका मिलेगा और ग्रेजुएट जो है या फिर इसके ऊपर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उसके लिए भी यहाँ पर अप्लीकेबल करने के लिए कई सारी वैकेंसीज मिलेंगी। यहाँ पर दोस्तों, अगर हिंदी भी आता है आप लोग को तो एक प्रोफाइल है जिसमें आप लोग हिंदी में अभी अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस है, कस्टमर वर्क सर्विस भी है, उसके अलावा होम ट्यूटर का भी एक जॉब इस बार निकला हुआ है जो मैं आप लोग को आज बताऊंगा, जिसमें आप लोग को क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक आप लोग को पढ़ाना होता है। तो जिसको जिसको जिसमें जो है इंटरेस्ट है वो इस प्रोफाइल को ज़रूर देख लेना। उसके अलावा एक जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली भी जॉब है, तो तीन जो है वर्क फ्रॉम होम वाली है और एक जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली है। इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है, जैसा मैं आप लोग को बताता रहता हूँ। डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो या फिर आप लोग को इसमें जो है HR का नंबर और ईमेल एड्रेस भी मिलेगा एक प्रोफाइल में, उसमें आप लोग उनको व्हाट्सएप कर देना। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहता है। आप इस अगर वीडियो को कहीं शेयर भी करते हो तो वो लोग भी इसको बड़े आराम से देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को, मेरी जो भी वीडियोस आती हैं उसको आप जो है नीचे जो एक शेयर बटन बना होता है उसको आप लोग क्लिक करके शेयर ज़रूर कर दिया करिए। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो, वहाँ पर टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हो या फिर आप लोग अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हो। तो इसको मेन मकसद ये है कि कई काफ़ी सारे लोगों को जो है इसको पहुँचाना होता है ताकि आप लोग भी को भी ब्लेसिंग मिले और उन लोग को भी जो है फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर मार देना। पहली बार आ रहे इस चैनल में तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा देना। बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी डेली जो अपडेट्स मैं आप लोग की लाता रहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ A to Z। दोस्तों, एक एक करके सारी प्रोफाइल हम देख लेते हैं। सारा आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल से भी खोल लेना। पहली वाली जो जॉब प्रोफाइल है दोस्तों, डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस है जो कि फ्लिपकार्ट के लिए काम करती है। ये बहुत ही ज़्यादा निकलता रहता है और अगर नहीं निकलता है तो बिल्कुल हॉल्ट पॉज हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है तो आप लोग को इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों, बड़ी कंपनी है टेक महिंद्रा और जो क्लाइंट है उसका जिसपे आप लोग काम करोगे वो भी बड़ी कंपनी है जो कि फ्लिपकार्ट। इसमें आप लोग को डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस मिल रहा है, मतलब कि आप लोग अपने जहाँ भी रहते हो रीजन में आप लोग लोकल लैंग्वेज में आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो। काम क्या करना है, सिंपल, आप जैसे फ्लिपकार्ट काम वाम कोई सामान खरीदते हो तो वहाँ पे जो कस्टमर केयर से आपकी बात होती है वही कस्टमर केयर आप लोग बनोगे और उसी लैंग्वेज में उसको बात करोगे कि आपका सामान पहुँचा नहीं पहुँचा, क्या ट्रांजेक्शन है, क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें आप लोग को ट्रेनिंग में बता दी जाती हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है दोस्तों, कम से कम उसको शुरू करके देख सकते हो एक्सपीरियंस लेके, उसके बाद कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है, घर से बैठ के करना है। अब घर से बैठ के करना है तो इन्होंने बोला है कि 24/7 आप लोग को काम करना है, मतलब एकदम लगातार नहीं, आप लोग की शिफ्ट हो सकती है इवनिंग, मॉर्निंग या फिर नाइट, ये वाली शिफ्ट रहेगी। 0 to 3 years के लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। और मज़े की बात कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि ट्वेल्थ पास जो लोग हैं, ग्रेजुएट नहीं है, वो लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी है, कर सकते हैं उसको अप्लाई। ठीक है, बाकी आप लोग ग्रेजुएट फ्रेशर जो भी हो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। 100 वैकेंसीज़ है और ये और भी वैकेंसीज निकलती रहेंगी आगे जो मैं आप लोग को वीडियो में बताऊँगा, तो आज वाली तो अप्लाई कर देना। 1 से 2.5 LPA, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन आप लोग को उतनी सैलरी और इतनी सैलरी में आप लोग को ज़रूर यहाँ पर जो है एक्सपोजर मिल जाएगा बड़ी कंपनी के लिए, कम से कम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, रिमोट का काम है जैसा मैंने आपको बताया। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मतलब कि 3 से 5 महीने के लिए। अब ये मत सुन के जो है वीडियो बंद मत कर देना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अभी ये 3 से 5 महीने का दिया हुआ है। ये 3 से 5 महीने भी अगर आप लोग यहाँ पे कर लेते हो दोस्तों टेक महिंद्रा में, तो आप लोग के अच्छा खासा एक सर्टिफिकेट मिल जाता है एक्सपीरियंस। अब उस सर्टिफिकेट को दोबारा आप उसमें अप्लाई करोगे तो आप लोग की पहले हायरिंग होगी दूसरे पोस्ट के लिए, अगर आप दोबारा टेक महिंद्रा में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो। कुछ नहीं से कम से कम आप लोग इस पे अप्लाई करके एक्सपीरियंस तो ले ही सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। देखिए, सैलरी क्लियरली बताया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 13,000 पर महीने है अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो, ट्वेल्थ पास हो, और अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो तो 16-17 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग को जो है सिस्टम अपने हिसाब से रखना हुआ है, जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, और आपको अप्लाई क्या करना है, ये जो ब्लू बटन है इस पर तो अप्लाई कर ही देना है। दूसरा, ये जो HR कैरीना है इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग को कॉल करना है, इन्होंने लिखा है, कॉल अगर उठा लेती हैं तो अच्छी बात है, 12 बजे से लेकर 7 बजे तक मंडे टू फ्राइडे में, अदरवाइज इनके कॉन्टैक्ट नंबर में व्हाट्सएप कर देना अपना रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम के लिए मैंने आपने ऑटोमेटिकली, मतलब नीचे मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एक लिंक, उसको देख के वीडियो देख के आप लोग जो है रिज्यूम बना सकते हो। अब दूसरी वाली प्रोफाइल भी कस्टमर केयर की तरफ से ही है और टेली परफॉर्मेंस की तरफ से है। कस्टमर केयर का रोल है, ये भी वर्क फ्रॉम होम है,
लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है कि कितनी वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि हो सकता है कि 100 भी हो या फिर हो सकता है कम हो, लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम है और इसमें भी आप लोग को ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है, 12th पास हो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा दे दिया, मतलब 2 से 2.5 दे दिया है, और उसके अलावा आप लोग यहाँ पर जो manvinder.kahlon@teleperformancedivs.com इस पर आप लोग जो है प्रोफाइल जो है अपना शेयर कर देना, मतलब रिज्यूम, ठीक है। इसमें भी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जो अलग चीज़ आई है इस बार, ठीक है, ये है होम ट्यूटर। तो अब इसको अच्छी तरीके से सुन लेना, अगर आप लोग नहीं अप्लाई करते हो तो किसी अपने दोस्त को बता देना जो ट्यूशन करवाना चाहता है, ठीक है। अब ये होम ट्यूटर है बायजूस की तरफ से, बड़ी कंपनी की तरफ से आ रहा है। क्लास 4th से लेकर क्लास 10th तक के बच्चों को आप लोग को यहाँ पढ़ाना होता है, और इसमें लिखा हुआ है मैथ्स और साइंस, जो मैथ और साइंस पढ़ा सकते हैं क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक, वो लोग इसमें जो है अप्लाई कर देना, ठीक है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है ओनली बेंगलोर, और ये भी लिखा हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम है, तो हम ये कैसे पता करें? तो देखिए बेंगलोर है और वर्क फ्रॉम होम है का मतलब है कि बेंगलोर में जो लोग रहते हैं उनके नियर अबाउट जितने भी बच्चे हैं, मतलब उसमें जो लोकेशंस है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से बेंगलोर के अंदर लोकेशन है, पिन कोड वाइज है, उसमें उसके आसपास जितने भी बच्चे रहते हैं वो आप लोग को असाइन कर देगा। बायजूस एक एप्लीकेशन होती है, उसमें आप लोग को बता देगा ये बच्चे आपके घर के इतने पास हैं, आप वहाँ जाके आप लोग पढ़ा सकते हो। तो कहने का मतलब है अगर आप बेंगलोर के अंदर रहते हो तब तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब है। आप लोग को थोड़ी दूर जाना है, बेंगलोर के अंदर ही पिन कोड दे देगा, वहाँ पर आप लोग बच्चों को पढ़ा देना है। अगर आप बेंगलोर से बाहर हो तो आप लोग को बेंगलोर आके ही पढ़ाना है, मतलब बेंगलोर में आके जो पिन कोड है उसी पिन कोड पर आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। ये सारे देखिए पिन कोड दिए गए हैं, पिन कोड, एरिया नेम, जेंडर प्रेफरेंस। अब ये भी बताया है कि कौन से एरिया, कौन से पिन कोड में जेंडर कौन सा रहेगा, जैसे कि इस वाले पिन कोड में बेंगलोर बाजार जो है इसमें सिर्फ फीमेल ही जाके पढ़ा सकती हैं, तो एक तरह से अच्छा भी है, मिक्स नहीं होगा, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल हो यहाँ पे जाके पढ़ा सकने में तो आप इस तरीके से कर सकते हो, उसमें अप्लाई कर देना। लेकिन यहाँ पे मांगा है जो एलिजिबिलिटी, वो ये है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए आप लोग को, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मैथ है, तो मतलब टेक्निकल और थोड़ा साइंस से रिलेटेड चीज़ों में ये मांग रहे हैं। तो आप लोग को ये और पढ़ाना आना चाहिए कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो, पढ़ा सकते हो, और एक कैसे फ्लो होता है स्कूल में, कैसे पढ़ाया जाता है, उस तरीके से आप लोग को यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल डे और टाइम है, ऐसा नहीं कि सुबह ही पढ़ाना है, शाम को आपको वो खाली हो जाते हैं बच्चे तो आप शाम को पढ़ा लीजिए, ठीक है, और आप लोग को ये अलोकेट कर देंगे कि आपके घर के पास ही है, तो इस तरीके से। और अपने आप अपनी एप्लीकेशन पे देख के सारा अपना मैनेज कर लेना, होमवर्क वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, आपको सैलरी भी उस हिसाब से आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और कोई प्रोसीजर नहीं दिया है, कोई एचआर का नंबर नहीं दिया है। अब देखिए जेनपैक्ट जो लास्ट वाली चीज़ है वो जेनपैक्ट की तरफ से आ रही है, और ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है। वर्क फ्रॉम ऑफिस की मैं एक जॉब ज़रूर रखता हूँ ताकि आप लोग में से कई लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला भी चाहते हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो जेनपैक में एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस की जॉब निकली है ये वॉइस प्रोसेस हिंदी और इंग्लिश है, और ये हैदराबाद में है। तो आप हिंदी और इंग्लिश अगर जानते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर इसमें अप्लाई कर देना। ये लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ठीक है, तो क्लियरली लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे देखिए रोटेशनल शिफ्ट होता ही है, और हो सकता है वीकेंड में भी शिफ्ट हो, मतलब सैटरडे संडे को भी आपको जाना पड़े, लेकिन 5 दिन मेरे ख्याल से छुट्टी रहे, 5 दिन आप लोग को जाना होता है, 2 दिन छुट्टी रहती है, 0 to 1 years तक के लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो है आप लोग का ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट है कोई भी किसी भी स्ट्रीम से, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर्स भी हो तब भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखिए इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है उसको आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ें तो जो क्वेरीज़ आती हैं इनकी कस्टमर्स की, तो जेनपैक में भी अगर हिंदी या इंग्लिश में भी जो है क्वेरीज़ रहेगी, जेनपैक की सर्विसेज या उनके प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेरीज रहेगी वो उनको बताना रहेगा उस लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि कस्टमर इश्यूज़ और उसको एस्केलेट करना है, कोई बग आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस को आप लोग को प्रोवाइड करना है, और इसकी ट्रेनिंग आप लोग को दी जाएगी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो केस अ प्रूवन वर्क एथिक और एबिलिटी टू वर्क वेल बोथ इंडिपेंडेंटली एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए लार्ज कॉन्ट्रोवर्सियल एनवायरमेंट। इसका मतलब कि आप लोग को जो है मान लीजिए कुछ प्रेशर भी आ गया, काफ़ी सारे कस्टमर्स का एक साथ आ गया, तो आपको एक एक करके क्यू में काम करना है, उसको एक एक करके पिक करके डिटेल लेना है, उसके बाद आपको उसको प्रोसीड करना है, तो इस तरीके की चीज़ें इसमें रहती हैं। तो बड़ी कंपनी से आप लोग को एक्सपोजर भी मिलेगा, और यहाँ पे इन्होंने सैलरी मेंशन नहीं की है, लेकिन आप लोग को ये जान के चलिए बाकी की कंपनी से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि जेनपैक जो है ओवरऑल बाकी कंपनियों से काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले भी वीडियो में बताया हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे सुन लो कि टीसीएस की तरफ से अभी जो है
फ्रेशर्स के लिए हायरिंग चल रही है 2018 से लेकर 2024 तक के लिए, जो 24 में पास आउट होने वाले हैं, तो उनके लिए आप लोग को TCS NQT का टेस्ट पास करना होता है, जो कि ईजी होता है। अगर आप ये वाला पैकेज देख लोगे, इसको जाके देख लेना, सारा सिलेबस वगैरह सब दिया हुआ है, वीडियो भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बना रखा है, बना दिया है। और ये हर महीने या तीन से चार हफ्ते के बाद ये टेस्ट होता रहता है, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाओगे तो देख लोगे, वहाँ पर डेट अपडेट हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ देख के उसको अप्लाई कर लेना। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अमेज़न की तरफ से जो वर्क फ्रॉम होम का BCS वाली जो जॉब रहती है, उसके लिए भी हम लोगों ने बेहतरीन एक पैकेज दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके देख लेना, वीडियो को पहले समझ समझ लेना, उसके बाद जाके आप उसको अप्लाई कर लेना। तो दोनों जॉब सबसे बेहतरीन है, बड़ी कंपनी है, इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ वीडियो के एंड में, ताकि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो, और वीडियो को तो लाइक मार देना ज़रूर से ज़रूर। इस वीडियो को लाइक मारने के बाद दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो चैनल पे, तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा देना, बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि इसी डेली जो अपडेट्स मैं आप लोग लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।